हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज हमारे सामने ऑल न्यू 2024 टोयोटा ग्लैंजा। अगर वेरिएंट की बात करें तो ये है आपका एस सीएनजी वाला वेरिएंट। सो फ्रेंड्स, इस ग्लैंजा में आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको सीएनजी प्लस पेट्रोल देखने को मिलता है, पेट्रोल इंजन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें तो इसमें आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में कार आपको अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों, अभी आप जो वेरिएंट देख रहे हैं ये है आपका एस सीएनजी वेरिएंट। एंड इसकी एक्सोरूम प्राइस की बात करें दोस्तों, 8,65,000 रुपये इसका एक्सोरूम प्राइस। एंड ऑन रोड की बात करें तो अप्रॉक्स आपको 9,80,000 रुपये की कार देखने को मिल जाती है। बाकी इस कार में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर इसकी माइलेज की बात करें इन सीएनजी, तो लगभग दोस्तों आपको 30 का एवरेज देखने को मिल जाता है, यानी माइलेज में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे इस कार का कंप्लीट वॉक अराउंड एंड जानेंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। इस कार से रिलेटेड कोई भी आपको बुकिंग, क्वायरी, टेस्ट ड्राइव कुछ भी करना हो तो आप दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अनंत टोयोटा को। एंड शोरूम के डिटेल कॉन्टैक्ट्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रंट की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 1745 mm की चौड़ाई देखने को मिल जाती है। और क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, देखो DRL दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलते, प्रोजेक्टर में आपको लाइट सेटअप देखने को मिलता है। एंड यहाँ कॉर्निंग लाइट्स कुछ इस टाइप से हैं, बाकी टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन बेस्ड मिलते हैं, कोई भी आपको फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता, बट आप चाहो तो लगवा सकते हैं। एंड जिसमें आपको सिल्वर फिनिश या फिर आप कह सकते हैं क्रोम फिनिश भी आपको देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट दोस्तों आपको इसमें 165 mm का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट से तो काफ़ी अच्छा लगता है, बीच में आपको टोयोटा का लोगो भी देखने के लिए मिलता है। और बात करें तो वाइपर आपको नॉर्मल से मिलते हैं, कोई भी आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी ओवरऑल लेंथ की बात करें तो आपको 3990 mm की ये कार देखने को मिलती है। व्हील बेस आपको लगभग 2600 mm का देखने के लिए मिल जाता है, यानी अंदर स्पेस भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, ठीक है। टायर साइज़ की बात और करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों, स्टील व्हील रिम के साथ आपको व्हील कैप देखने को मिलता है। टायर साइज़ मिलेगा 185/65 R15 का, फ्रंट में डिस्प्ले कंपनी ऑफर करती है। एंड टर्निंग रेडियस की बात करें तो 4.5 meter का इसका टर्निंग रेडियस है। रियर टायर में दोस्तों आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। दोस्तों इसका वेरिएंट है एस, एंड इसमें आपको दोस्तों जो डोर हैंडल्स मिलते हैं वो आपको बॉडी कलर मिलते हैं। देखिए ऊपर आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती, सनरूफ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, पीछे आपको नॉर्मल सा एंटीना मिल जाता है। अब बात करें इसकी बैक प्रोफाइल की तो ये देखिए, बैक से थोड़ी सी गंदी है तो वो छोड़ देना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आपको मिलता है दोस्तों फ्यूल लीड, ठीक है, इसको दबाएंगे अंदर से खुल जाता है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिलती है 37 liter की। एंड CNG सिलेंडर की कैपेसिटी मिलती है इसमें आपको 55 liter या KG की, ठीक है। और बैक में आपको क्या मिलता है, देखिए टोयोटा का लोगो मिलता है, एस की बैजिंग मिलेगी, एंड यहाँ आपको ग्लैंजा की बैजिंग मिलती है। बाकी आपको इसमें वाइपर देखने को नहीं मिलता, डिफॉगर मिलता है, CNG का स्टिकर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लाइट, नॉर्मल सा एंटीना। एंड टेल लाइट यूनिट की बात करें तो दोस्तों कुछ इस टाइप से काफ़ी अच्छे शेप और डिज़ाइन का आपको टेल लाइट यूनिट देखने को मिलता है। प्लस आप देखिए इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड कैमरे की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको कैमरा नहीं मिलेगा। चलिए बूट की ओर बात करते हैं, ओपन करते हैं, रिपका सेंसर है तो यहाँ देखिए पहले आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, ठीक है, खुल चुका तो उस कारण कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगी। बाकी यह है इसका बूट स्पेस। एंड CNG सिलेंडर आपको मिलता है 55 kg का, ठीक है, काफ़ी बड़ा है। गैस इसमें 810 kg आई जाएगी, ऑलमोस्ट इतनी गैस आती है एक सिलेंडर में। यहाँ पर आपको सेफ्टी वॉल्व्स वगैरह देखने को ज़रूर मिलते हैं। स्टेपनी व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए कवर देखने को मिलता है स्टेपनी व्हील का। एंड ये है दोस्तों आपका स्टेपनी व्हील, जो कि दोस्तों आपका स्टील व्हील रिम के साथ 185/60 R15 का टायर साइज़ के साथ देखने को मिल जाता है। एंड बूट स्पेस की बात करें तो दोस्तों लगभग इतना ही आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। आप ये पार्सल ट्रे निकाल दोगे तो काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस आपके पास हो जाएगा, देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब सामान ले जाने में थोड़ा सा मतलब बूट स्पेस कम है, अराउंड होगा तो 100 liter करीब दोस्तों उसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। तो इतना ही कुछ मिलता है दोस्तों इस ग्लैंजा के बूट में। तो यहाँ से ओपन करेंगे तो ये देखिए इसका डोर ट्रिम आपके सामने है। देखिए इधर आपका हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, ये आपका फैब्रिक टच है, ये भी आपका फैब्रिक टच है। पावर विंडो है, कंट्रोल्स मिलते हैं एस वेरिएंट में पीछे भी। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट है, प्लस बोतल स्पेस, चाइल्ड लॉक एंड डोर ओपनर कुछ इस टाइप से मिल जाता है। ये रहा दोस्तों इस CNG वाले ग्लैंजा का इंटीरियर एंड बैक वाली सीट। एक बार कार के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए आपके सामने इसका डैशबोर्ड का लेआउट है। एंड पहले हम नी रूम की बात करें तो काफ़ी बढ़िया आपको नी रूम मिलता है, थाई सपोर्ट भी आपको बहुत ही शानदार देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और क्या क्या मिलता है
तो यहाँ देखिए आपको कोई भी पीछे चार्जिंग पोर्ट मिलता है देखने के लिए, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का कोई भी एसी वेंट की प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ऊपर रूफ़ की बात करें तो रीडिंग लैंप्स आपको मिलती है हैलोजन बल्ब के साथ, एंड यहाँ पर आपको ग्रे बंडल मिलते हैं कुछ इस टाइप से। आइए एक बार सीट की और बात कर लेते हैं। तो देखिए एस वेरिएंट में 60-40 में स्प्लिट आपको सीट मिलती है, तीन हेडरेस्ट जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, तीनों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट्स मिल जाएंगी एंड आइसोफिक्स सीट भी आपको मिल जाती है और पीछे पार्सल ट्रे भी मिलेगी। सो काफ़ी बढ़िया आपको दोस्तों इसमें इंटीरियर देखने के लिए मिलता है डैशबोर्ड का लेआउट। सो अब बात करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर हैंडल्स की। तो देखिए बॉडी गियर मिलता है, की लगाने का स्पेस, रिक्वेस्ट सेंसर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, एंड ये है इसका दोस्तों डोर ट्रिम है ना, ये आपको फैब्रिक टच फैब्रिक, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, डोर लॉक अनलॉक करने के लिए मिरर सेट करने के कंट्रोल्स, एंड नीचे बात करें तो आपको स्पीकर प्लस वोटर स्पेस, एंड एक बार मैं आपको बताना भूल गया, सो जो उसमें दोस्तों आपको ये साइड मिरर मिलते हैं ना, ये आपको बॉडी कलर मिलते हैं, इसमें आपको टर्न सिग्नल इंटीग्रेटेड है, एंड ये आपके ऑटो फोल्डेबल तो नहीं मिलेंगे बट आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, ठीक है। सो ओवरऑल कुछ स्टेप से मिलता है इसका पूरा लेआउट, एंड सीट हाइट एडजस्टमेंट की बात करें तो वो आपको नहीं मिलेगा, एंड सीट की क्वालिटी दोस्तों वास्तव में काफ़ी अच्छी है। तो ये है इसका डैशबोर्ड का लेआउट। सो अभी आप देख रहे हैं इसका डैशबोर्ड, काफ़ी शानदार आपको डैशबोर्ड मिलता है एस वेरिएंट का ग्लेंजा का, जो कि आपका ड्यूअल टोन का रहने वाला ऑब्वियसली। तो पहले दोस्तों इसमें आपको 7 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि आपका सपोर्ट करेगी एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले। आउटर दोस्तों जो उसकी वॉल मिलती है ये आपको मिलती है मैट ब्लैक फिनिश में, बीच में आपको हजार्ड का बटन है, ठीक है, एसी वेंट की प्लेसमेंट, एंड यहाँ ये वाला पार्ट आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलता है। बाकी इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी मिलता है एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, प्लस 2 कप ग्लास होल्डर, एंड दोस्तों ये आपका रहता है गियर नॉब जो कि आपके 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है। देखिए इसके सराउंडिंग आपको ना लेदर की कवरिंग देखने को मिलती है, बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं है। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको नीचे से थोड़ा फ्लैट है, लेदर रैप तो नहीं है बट फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। बीच में आपको टोयोटा का लोगो, लेफ्ट साइड आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, कॉल कट कॉल पिकअप वॉइस कमांड का ऑप्शन यहाँ मिलता है, एंड स्टीयरिंग की बात करें तो आपको देखिए टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको देखिए लाइट्स के कंट्रोल, यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल, एंड और बात करें कंट्रोल्स की तो इधर देखिए आपको ये मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड नीचे बात करें तो सीएनजी से पेट्रोल स्विच करने का बटन, की लगाने का स्पेस, साथ ही आपको हेडलाइट लैबरेटरी यूनिट यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये है दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, पर्सनली मुझे तो यही वाला पसंद है। एंड यहाँ बात करें तो आपको आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, बाकी आपको डिस्प्ले डिस्प्ले सब कुछ शो कर देगा बीच में, और ऊपर ये आपका पूरा हार्ड प्लास्टिक का लेआउट मिल जाएगा। साथ ही यहाँ देखिए आपको ड्यूअल टोन का टच भी मिल जाता है, ठीक है। रियर व्यू मिरर की बात करें आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा, कैबिन लाइट्स आपको मिल जाती है हैलोजन बल्ब के साथ, एंड यहाँ आपको वारंटी मिरर नहीं मिलता, इधर आपको वारंटी मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। सो ओवरऑल दोस्तों कुछ इस टाइप से मिलता है इस कार का लेआउट, एंड इसमें आपको दोस्तों 4 स्पीकर का सेट देखने के लिए ज़रूर मिलता है। सो इस ग्लेंजा में दोस्तों आपको बायोफ्यूल का इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपका दोस्तों 1.2 लीटर 4 सिलेंडर का इंजन है, एंड ये सीएनजी प्लस पेट्रोल के साथ आपको देखने को मिलता है। बाकी माइलेज इसमें दोस्तों आपको लगभग 30 km/h का एवरेज क्लेम करती है, एंड पावर फिगर की बात करें तो उसमें आपको काफ़ी शानदार पावर फिगर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपके 76 BHP एंड 98 Nm का टॉर्क ये आपको जनरेट करके देती है। बोनट की बात करें तो आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स ये थी आपकी ऑल न्यू 2024 टोयोटा ग्लेंजा एस सीएनजी वाला वेरिएंट, एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है आपको 8,65,000 रुपये, ठीक है। सो हमने किया दोस्तों इस कार का कंप्लीट वॉक अराउंड, एंड आपको बताया कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एवरेज इसमें आपको ज़बरदस्त मिलता है, बाकी दोस्तों टोयोटा की रिलायबिलिटी है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।